वेलकम टू रानीज गुड फूड। आज हम ये 7 किलो चावल बनाएंगे। देखिए इतना चावल है तो मैं करेक्ट इसी बर्तन से डबल पानी लूंगी और ये मेरे पुराने चावल है। 7 किलो हम चावल बना रहे हैं तो डबल पानी नहीं रखेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे, मतलब थोड़ा सा 1 लीटर उतना कम कर देंगे। जो हम चावल धोएंगे ना तो उसमें से पानी जाएगा और बड़ा बर्तन होने की वजह से एक साथ जल्दी पक कर आएगा, इसलिए थोड़ा सा पानी कम डालेंगे। चलिए मसाला देख लेते हैं। ये शाजीरा है 2 चम्मच, मैंने इस चम्मच से 2 चम्मच लिए हैं। बे लीफ 25 से 30 है, आप बढ़ा भी सकते हैं। ये दालचीनी आप देख सकते हैं 10 ग्राम से 15 ग्राम तक है। इलायची, मैं इलायची ज्यादा नहीं यूज करती हूँ क्योंकि इलायची ज्यादा डालने से मीठे चावल खाने का टेस्ट आता है, इसलिए मैंने 1 किलो चावल को 1 इलायची डालती हूँ, तो मैंने 8 इलायची लिए हैं। 7 किलो चावल है, ये देख सकते हैं आप। मैंने लवंग कितने लिए हैं, लगभग 10 ग्राम तक लवंग है। और ये पिसा हुआ गरम मसाला है 1/2 चम्मच है इसी चम्मच से। ये इन्हीं तीनों को मिलाकर पीसे वाला मसाला है। अगर हम पिसे वाला मसाला चावल में डालेंगे तो चावल का कलर बदल जाएगा, इसलिए मैंने ये मसाला सूखा ज्यादा डाला है और पिसे वाला कम डाला है। पिसे वाले से फ्लेवर अच्छा आता है। प्याज बड़े साइज की मैंने 6 से 7 कट कर ली है। हरी मिर्च आप देख सकते हैं, लगभग 400 ग्राम तक मैंने हरी मिर्च ली है, बीच में से तोड़ ली है मैंने। ये नींबू का जूस, 1 किलो को 1 नींबू लेंगे हम, तो मैंने 7 नींबू का जूस निकाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट बड़ी कटोरी भरकर 1 है। मुझे चावल पकाने का अंदाजा हो जाता है इसलिए मैंने अंदाजे से अदरक लहसुन पेस्ट लिया है। अगर आपको अंदाजा नहीं है और आप पहली बार चावल बना रहे हैं तो ये देख सकते हैं आप, उपमा खाने का चम्मच है ये। ये चम्मच से भरकर आप 1 चम्मच डालेंगे ना, इतना भरकर डालेंगे ना, तो ये 1 किलो को बस हो जाएगा। आप इस तरह से भी अंदाजा कर सकते हैं। चलिए चावल पकाने की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं मैं चूल्हे पर चावल पका रही हूँ। मैंने चूल्हे पर बर्तन गरम रखा है, अब तेल डालेंगे। आप 1.25 किलो से 1.5 किलो तक तेल डाल सकते हैं, मैं 1.5 किलो डालूंगी। तेल गरम हो चुका है चूल्हे पर, थोड़ी देर लगी तेल गरम होने के लिए, ये सारे मसाले डालूंगी। आज मेरे साथ मेरी फ्रेंड है दास भाभी, वो चम्मच चला रहे हैं। गरम मसाला बहुत जल्दी होकर आएगा। प्याज डालेंगे, आप देख सकते हैं लवंग उड़ रहे हैं। 3 से 4 मिनट के लिए प्याज फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हल्की पिंक हो गई है, मैंने बहुत ज्यादा लाल नहीं किया है। अब हरी मिर्च डालेंगे, बाकी की जो बची थी प्याज हरी मिर्च के साथ हो गई। हरी मिर्च को मैंने लगभग 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। गरम मसाला पाउडर डालेंगे। नींबू का जूस डालेंगे। तीन से चार मिनट तक वापस से इसे फ्राई करेंगे। अब पानी डालेंगे। पानी को पूरी तरह से उबाल आने के बाद चावल डालेंगे। मैंने जो चम्मच से अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, मैं उसी चम्मच से 1 किलो को 1 चम्मच नमक डालूंगी। ये 7 चम्मच नमक है। पानी उबलने के बाद, चावल डालने के बाद नमक दोबारा से टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा पानी साल्टी होना चाहिए, हल्का सा खारा होना चाहिए, चावल सही पक कर आएंगे। देखिए पानी में उबाल आ रहा है, अब हम चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद आग ज्यादा रहना चाहिए।
मैंने पानी टेस्ट किया है, मुझे थोड़ा डालना पड़ा है, लगभग 1.5 चम्मच उतना मैंने नमक डाली हूँ। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि चम्मच अगर हल्के से जाए तो पानी करेक्ट है, और चम्मच थोड़ा प्रेशर लगा के जाए तो थोड़ा सा पानी, लगभग 1-2 कप उतना पानी डालना पड़ेगा। अब ये मुझे मेरे हिसाब से पानी सही है, चलिए इसे पकने देते हैं। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। चावल पक रहे हैं, लगभग 2 चम्मच उतना मैं डालडा डालूंगी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। मैंने ऊपर से 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। चावल डालने के बाद आप 2 से 3 बार चम्मच पानी में हिलाएं ताकि चावल नीचे से ना लगें। अब देखिए पानी पूरी तरह से सूख गया है। अब आग को कम कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। 10-15 मिनट तक इसको देखेंगे नहीं, चावल दम होकर आ जाएंगे। ढक्कन लगा देंगे, नीचे की आग पूरी तरह से कम कर देंगे। जो कोयले की आग बची है उसी पे रखेंगे, ये पूरी लकड़ी की आग निकाल देंगे। मैं थोड़ा सा केसरी कलर डालूंगी इसमें। फिर से 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। ये हो गए हमारे 7 किलो के चावल।